हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीसीआईटी टेक्निकल ज्ञान चैनल। मैं संतोष कुमार गुप्ता आज आपके लिए गाइस पार्ट टू एमएस वर्ड का लेकर आया हूं। प्रीवियस वीडियो में आपने एमएस वर्ड का पार्ट वन जाना था, आज हम पार्ट टू के बारे में चर्चा करेंगे जो है फाइल मेनू से रिलेटेड। गाइस चलते हैं, हम फाइल मेनू की तरफ जानेंगे। फाइल मेनू में हमको कौन कौन से ऑप्शन मिलते हैं और उनका यूज क्या है। गाइस ये है हमारा एमएस वर्ड और हम इसमें फाइल मेनू पे चलते हैं। फाइल मेनू पे हमने क्लिक किया, यहाँ देखिए बहुत सारे ऑप्शन हैं, सेव, सेव एज, ओपन, क्लोज, इन्फो, रीसेंट, ऐसे करके एग्जिट तक है। हमें एक एक करके समझना है। सबसे पहले हम बात करेंगे न्यू की। अभी हम सेव और सेव एज को छोड़ देते हैं। न्यू का मतलब होता है नया पेज लेना, जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल एन होती है। जब हम न्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, क्रिएट पे क्लिक करेंगे हमारा नया पेज आ जाएगा। यहाँ बहुत सारे ऑप्शन हैं, हम सबसे पहले ऑप्शन चलेंगे न्यू। न्यू का मतलब होता है नया पेज लेना। यदि हम किसी चीज को लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे पास एक नया पेज होना चाहिए। वैसे ऑलरेडी नया पेज जब हम एमएस वर्ड खोलते हैं तो एक नया पेज साथ में आ जाता है, लेकिन यदि हम लेना चाहते हैं नया पेज तो ले भी सकते हैं। जैसे हमने न्यू पे क्लिक किया, यहाँ ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया, क्रिएट पे क्लिक कर दिया। देखिए ये हमारा एक पहले पेज को हटा देते हैं, ये हमारा नया पेज आ गया। इस तरीके से हम लेते हैं न्यू पेज यानी नया पन्ना। नया पन्ना लेने के बाद इसमें हम कुछ मेटा टाइप करेंगे। मेटा टाइप करने के बाद इनको हमें जरूरत पड़ती है सेव करने की। गाइस यहाँ फर्स्ट ऑप्शन हमारा सेव का आता है, जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल एस होती है। सेव बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दस्तावेज आप जहाँ सेव करना चाहते हैं, वैसे अगर आप चाहते हैं कि हमारा दस्तावेज बिल्कुल फ्रंट पे रहे तो आप डेस्कटॉप पे सेव कर दीजिए। डेस्कटॉप ऑप्शन पे यहाँ क्लिक कर दीजिए, जो भी नाम आप देना चाहते हैं, जैसे हमने पीसीआईटी वर्ड लिख दिया और हम इसको सेव बटन पे क्लिक कर देंगे। तो ये दस्तावेज गाइज हमारा पीसीआईटी वर्ड के नाम से सेव हो गया। सेव हुआ या नहीं हुआ ये देखने के लिए हम ऊपर टाइटल बार में देख सकते हैं। देखिए यहाँ पीसीआईटी वर्ड लिखा है, इट मीन्स कि ये दस्तावेज हमारा सेव हो गया है। तो ये तरीका है सेव करने का। गाइज आपने दो चीजें जानी, नया पेज कैसे लेते हैं और सेव कैसे करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है सेव एज। सेव एज जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट एस भी होती है। सेव एज का मतलब हो गया आप उसी पेज को किसी नए जगह पे सेव कर सकते हैं, या आप चाहें तो उसी लोकेशन पे किसी नए नाम से भी सेव कर सकते हैं। आप कुछ एडिटिंग करना चाहते हैं तो एडिट करके भी सेव कर सकते हैं। सेव एज हमें कई रूपों में सेव करने की विधि देता है, या कई तरीकों से हम सेव कर सकते हैं, अलग अलग लोकेशन पे भी हम इन्हें सेव कर सकते हैं। तो गाइज जैसे कि यहाँ पे पीसीआईटी वर्ड लिखा है, अगर हम इनको सेव करेंगे तो हमारा दस्तावेज उसी नाम से सेव भी हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन यहाँ पे है ओपन का। ओपन यानी शॉर्टकट की कंट्रोल वो होती है, यदि पहले से कोई फाइलें हमारी सेव है तो उनको हम खोल भी सकते हैं। जैसे हमने इस फाइल को ओपन कर लिया, इस पे क्लिक किया, देखिए ये फाइल हमारी सामने ओपन होके आ गई। तो कोई भी फाइल जो पहले से सेव है यदि हम उनको खोलना चाहते हैं तो हमें ओपन ऑप्शन का यूज करना पड़ेगा, जिसकी शॉर्टकट की गाइस कंट्रोल ओ होती है। नेक्स्ट हमारा है क्लोज। क्लोज का मतलब टू क्लोज द ओपेंड पेज या एक्टिव पेज। जो पन्ना हमारा खुला हुआ है यदि इस पन्ने को, इस पेज को हम बंद करना चाहते हैं तो हम ओपन क्लोज ऑप्शन का यूज करेंगे, या हम कंट्रोल डब्ल्यू शॉर्टकट की होती है, इससे हमारा जो एक्टिव पेज है, जो ओपन पेज है, वो क्लोज हो जाएगा। गाइस ये था पेज को कैसे क्लोज करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है रीसेंट। रीसेंट मींस कि हाल फिलहाल में या रिसेंटली सबसे लास्ट में हमने जो भी फाइलें सेव ओपन की हैं, उन फाइलों को अगर हम फिर से रिट्राइव करना चाहते हैं, फिर से खोलना चाहते हैं तो हम खोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें ये फाइल खोलना है, व्हाट इज फाइल अगेन खोलना है, तो हम यहाँ से भी खोल सकते हैं, ये फाइल हमारी सामने खुल के आ गई। नेक्स्ट गाइज हमारा आता है इन्फो। इन्फो में यहाँ पे एक्टिवेट प्रोडक्ट, यदि हमारा ये प्रोडक्ट एक्टिव नहीं है यानी एमएस ऑफिस हमारा ये ट्रायल वर्जन है, तो हम यहाँ से एक्टिवेट भी कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से। और दूसरा ऑप्शन इसमें नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है इन्फो। इन्फो में है प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, यहाँ पे हम जाएंगे और अपने डॉक्यूमेंट को यहाँ पासवर्ड देकर लॉक कर सकते हैं। गाइज जैसे हमने पासवर्ड पहले हटा के अनप्रोटेक्ट कर दिया, अगेन हम जाएंगे, यहाँ हमने पासवर्ड डाला, ओके किया, अगेन पासवर्ड डाला और यहाँ पे हमने ओके कर दिया।
ये हमारा लॉक हो गया। अब इनको हम करा देंगे सेव। सेव कराने के बाद इस फाइल को हम क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद अगेन हम ओपन करेंगे। ओपन हम यहाँ व्हाट इस फाइल से भी कर सकते हैं। अब देखा गाइज आपने कि ये जो भी दस्तावेज था इनको हम तब तक नहीं देख सकते हैं जब तक वही पासवर्ड हम न डालें। अगेन पासवर्ड डाल दिया, देखिए हमारी फाइल ओपन हो गई। तो ये होता है हम अपने दस्तावेज को पासवर्ड देकर लॉक कैसे करें। गाइज एक ऑप्शन इसमें और आपको मिलेगा रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग का, इस पे जाएंगे। यहां से हम अलाउ दिस यूजर टू एडिटिंग पे क्लिक कर देंगे। एवरीवन पे क्लिक नहीं करना है आपको, एस स्टार्ट इनफोर्सिंग पे क्लिक करना है। पासवर्ड डाल देंगे, सेम पासवर्ड नीचे भी डाल देंगे, यहाँ पे ओके कर देंगे। गाइज यहाँ कोई चीज लिखना चाहेंगे तो देखिए लिख नहीं सकते, ये हमारा लॉक हो गया है। हम कहीं भी नई लाइन पे भी लिखना चाहें तब भी नहीं लिख सकते। नीचे ये दे भी देता है दिस मॉडिफिकेशन इज नॉट अलाउड बिकॉज द सिलेक्शन इज लॉक। गाइज ये लॉक हो चुका है, अब हम इसमें कुछ लिख नहीं सकते। यदि हम अगेन इस लॉक को तोड़ना चाहते हैं तो स्टाफ प्रोटेक्शन पे जाएंगे, पासवर्ड डाल देंगे और यहाँ पर हम ओके कर देंगे। देन अब कुछ भी लिखना चाहें हम आसानी से लिख सकते हैं। गाइज ये दो ऑप्शन हमारा है जो इन्फो में पाया जाता है और प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट में हम इनक्रिप्ट और रेस्ट्रिक्ट दोनों से कर सकते हैं। गाइज नेक्स्ट हमारा है न्यू, हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है, रिसेंट भी बता दिया है। अगला ऑप्शन आता है प्रिंट का, प्रिंट पे जाएंगे। यहां से हम अपने जो भी दस्तावेज को छापना चाहते हैं, प्रिंट करना चाहते हैं, प्रीव्यू के रूप में हम राइट साइड में देख भी सकते हैं। और यहाँ पे जितने पेज आपको छापने हैं, यदि मान लीजिए आपका 5 पेज है, 10 पेज है, आप दूसरा पेज छापना चाहते हैं तो 2 डाल देंगे। 2 से 3 यानी दूसरा और तीसरा छापना चाहते हैं तो 2-3 का सिंबल लगा देंगे या 2-3 लिख देंगे, तब भी आपका दूसरा और तीसरा पेज छप जाएगा। या आप कोई स्पेसिफिक पेज छापना चाहते हैं तो वो नंबर डाल देंगे। आप यहां से किस साइज में आपका दस्तावेज प्रिंट होना है, A4, A3, लेटर, लीगल, जिस भी साइज में आपको प्रिंट करना है वो आप चूज कर सकते हैं, उसी साइज में आपका पन्ना ये छप जाएगा। यहाँ पे गाइस सबसे नीचे पेज सेटअप का ऑप्शन है। पन्ने को आप पोर्ट्रेट छापना चाहते हैं, लैंडस्केप, लैंडस्केप ये हमारा पोजीशन है जैसा कि यहाँ देख रहे हैं प्रीव्यू में। पोर्ट्रेट करेंगे तो हमारा इस तरीके से पोजीशन आएगा। तो जिस भी ओरिएंटेशन में आपको पेज छापना है यहाँ से पेज सेटअप से सेट करके छाप सकते हैं। गाइस नेक्स्ट है सेव एंड सेंड। सेव एंड सेंड में यहाँ मेनली जो हमको यूज करना होता है वो हमारा है चेंज फाइल टाइप। यदि हम चाहें तो फाइल टाइप अपना चेंज भी कर सकते हैं, जैसे ये RTF में वर्ड पैड में कर सकते हैं, नोट पैड में कर सकते हैं, या फिर हम PDF बना सकते हैं। यदि PDF बनाना है तो क्रिएट PDF पे जाएंगे, क्रिएट PDF ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे PDF देखिए सेव एज टाइप लिख के भी आ गया है, पब्लिश पर क्लिक करा देंगे या हम यस कर देंगे। ये फाइल हमारी एक फाइल और इसकी PDF के रूप में हमारे डेस्कटॉप में सेव हो जाती है। देखेंगे गाइज ये हमारा व्हाट इज PDF ये सेव होके आ गया है। तो गाइज हमने PDF में कैसे कन्वर्ट करते हैं अपने वर्ड दस्तावेज को ये हमने देखा, इसी तरीके से हम PDF को सेव करेंगे। नेक्स्ट गाइज चलते हैं देखते हैं क्या है। नेक्स्ट हमारा हेल्प है। हेल्प में हमें कुछ नहीं करना है, अगर कोई भी इशू आती है या आपको अपडेट करना है या कोई जानकारी लेना है तो आप इस ऑप्शन का यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन आता है, ऑप्शन में हम यहाँ पे जनरल, डिस्प्ले, प्रूफिंग इत्यादि जो भी इनकी प्रॉपर्टी है वो सारी चीजें हम देख सकते हैं। और लास्ट में हमारा ऑप्शन एग्जिट का होता है। यदि हम अपने इस विंडो से बाहर निकलना चाहते हैं तो Alt+F4 या एग्जिट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, हम अपने इससे बाहर निकल लेंगे। यदि हमको सेव करना है तो सेव, अदरवाइज डोंट सेव पे क्लिक करेंगे, हम बाहर निकल लेंगे। गाइज ये था हमारा MS Word का Part 2 जिसमें हमने फाइल मेनू के बारे में जाना। आई थिंक उम्मीद है कि आपने वीडियो को अच्छे ढंग से समझ लिया होगा। यदि आपको कोई भी समस्या आ रही हो या नहीं समझ पाए हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम आपको सारे सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।